हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 से 7 साल के बच्चे के लिए स्वेटर का मेजरमेंट बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मैंने फंदे लिए हैं वो 90 फंदे लिए हैं, यानी कि 0 से 45 और 0 से 45। उसके बाद बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर ये मेरा 50 सलाइयों का है, पलट करके 25 का रह जाएगा। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने दो दो फंदे दोनों साइड से बढ़ा दिए हैं और बॉर्डर से यहाँ से बॉर्डर से आर्म होल की कटिंग तक की जो लंबाई है वो मेरी 14 इंच है। बॉर्डर से आर्म होल की कटिंग तक ये 14 इंच है। उसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग की है 3 3 2 2 1 1, यानी कि 3 2 1 की कटिंग दी है। उसके बाद मैंने बी नेक की शेप दी है। बी नेक की कटिंग कैसे करोगे आप, हर 2 सलाई के बाद एक एक फंदा मैंने यहाँ पर कम किया है। ऊपर जा कर के जो है 4 4 सलाई के बाद हमने फंदे कम किए हैं और यहाँ पर जो है शोल्डर पर जो फंदे रखे हैं ये यहाँ पे मैंने 22 फंदे यानी कि 22 फंदे रखे हैं। आर्म होल से यहाँ तक की जो मेरी लंबाई है वो 6.5 इंच है, लेकिन आप 7 इंच बनाइएगा क्योंकि सिलने में थोड़ा सा चला जाता है। वैसे अगर आप नापते हो तो यहाँ से आर्म होल की कटिंग से ऊपर तक ये 6.5 इंच है। उसके बाद अब हम बैक के पार्ट पर आएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये हमारा बैक का पोर्शन है। बैक पर भी अब हमने सेम फंदे लिए हैं, 90 फंदे लिए हैं, 50 सलाइयों का बॉर्डर बनाया है, पलट करके 25 का रह जाएगा। उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद दो दो फंदे दोनों साइड से बढ़ा दिए हैं। बॉर्डर से आर्म होल की कटिंग तक की जो लंबाई है मेरी वो 14 इंच है। उसके बाद आर्म होल की कटिंग दी है 3 3 2 2 1 1 करके, यानी कि 3 2 1 की कटिंग की है। फिर ऊपर जो है हमने 7 इंच बनाया है पूरा यहाँ से आर्म होल की कटिंग तक। सिलने के बाद मैंने बताया ना 6.5 इंच के करीब रह जाता है, थोड़ा सिलने में चला जाता है। और यहाँ पर देखिए गले पे मैंने कोई भी कटिंग नहीं दी है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं स्लीव्स की साइड में और स्लीव्स पर मैंने 50 फंदे लिए हैं। 50 फंदे लेने के बाद जितना बॉर्डर यहाँ पर बनाया है उतना ही स्लीव पर भी बनाया है, यानी कि 50 रो का बॉर्डर बनाया है, पलट करके वही 25 का हो जाएगा। उसके बाद मैंने हर 4 4 सलाई के बाद जो है फंदे बढ़ाती हुई गई हूँ दोनों साइड से। उसके बाद थोड़ा जो है मैंने 4 4 सलाई के बाद फंदे बढ़ा लिए, फिर यहाँ पर जा कर के मैंने 6 6 सलाई पर जो है वो फंदे बढ़ाए हैं। दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। अब कब तक फंदा बढ़ाना है, जब जैसे यहाँ पे हमने 90 फंदे लिए हैं तो बढ़ाते बढ़ाते मेरे 90 यहाँ पर फंदे हो जाने चाहिए। उसके बाद आर्म होल की जैसी कटिंग स्वेटर में होती है वैसी ही दी जाती है, 3 2 1 की कटिंग की है और फंदे मैंने उतार दिए हैं। और यहाँ से जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर से ये स्लीव तक की पूरी जो लेंथ है ये 14.5 इंच है, यानी कि 14.5 इंच है। तो इस तरह से ये वाला मेजरमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। आप कुछ लोग कहते हैं मैम फंदे कितने उठाए हैं, एक्चुअली जो गले पे होता है ना कि गले पे कितने फंदे उठाए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 45 एक साइड से बी नेक पर और दूसरी साइड से भी 45 फंदे उठाए हैं और यहाँ पर बैक साइड में मैंने 34 फंदे उठाए हैं। तो इस तरह से पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है मेरा। थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।